ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसमें ना हमको बीच में से, ठीक है, मिडिल में से सबस्ट्रिंग कैसे निकालना राज, तो मैंने ये आपको बता दिया था कि राज मतलब आर का ये स्टार्टिंग एड्रेस, आर का एड्रेस मतलब ये क्या था 3, और जे के बाद वाला, जे के बाद वाला मतलब ई का, ठीक है, तो 6 पास किया था, ठीक है। तो ये ना राज निकाल के इसने हमको दे दिया था, क्लियर है, ये चीज क्लियर है आपको, यस ठीक है। सर, ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड को, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है आपका रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस। तो रिप्लेस मतलब क्या करता है, सिंपल रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये मेथड आपका करता क्या है, जैसे आपको किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो, ठीक है, किसी के कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो, तो ये क्या करता है, सपोज मेरे को ना आर जो है, आर है, आर को ना पी से रिप्लेस करना है, पी से, ठीक है, आर को ना पी से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम लगाते हैं, देखो, नेम डॉट, ठीक है, नेम डॉट रिप्लेस लिखा, और हमने देखो किसको रिप्लेस करना है, आर को, तो आर एक कैरेक्टर लिखा आर, ठीक है, फिर लिख दिया कॉमा पी, ठीक है, पी का नाम लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो आउटपुट आएगा सिस्टम डॉट आउटपुट, ठीक है, तो ये ना हमको ना आर को ना पी से रिप्लेस कर देगा, मतलब यहाँ पर जो आर है ना आर, इसकी जगह पर पी आ जाएगा। तो इसको मैं आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ठीक है, मैंने इसको कट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, ठीक है। देखो तो यहां पर जो आर था, पहले आर था, अब इसने आर के प्लेस पे ना पी को रख दिया, ये पी को, क्लियर है। यस सर, और किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो तो बताइए, मैं उसको करके बता दे रहा हूँ। अब बताइए किसकी जगह पे क्या करना है, सर जे की जगह पे के कीजिए। ठीक है, तो मैं जे की जगह पे के कर दे रहा हूँ, जे रख लिया और यहाँ पर लिख दिया के, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये आ गया कि आ गया यहाँ पर जे की जगह पे कि, यस सर, हाँ मतलब समझ में आ गया आपको। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड को, ठीक है, ये तो हमने रिप्लेस देखा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेथड आपका है, ये मेथड क्या बताता है आपको, स्टार्ट विथ, ये क्या करता है, मतलब एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग पैटर्न मैच करता है। स्ट्रिंग पैटर्न मीन्स मैच मीन्स क्या करता है, जैसे हम मोबाइल में डालते हैं ना किसी के स्टार्टिंग लेटर डालें तो कुछ मतलब आपको दिखने लगता है, तो ये ना स्टार्टिंग पैटर्न को ना मैच मैच करके आपको बताता है। सपोज मेरा ही नाम लिख दिया मैंने, इंद्रजीत, ठीक है, और मैंने इसमें स्टार्टिंग के कुछ लेटर डाले, मैं यहाँ पर दो लेटर डाल रहा हूँ, ठीक है, आई एन, तो आई एन ये बता देता है कि हाँ ये स्टार्टिंग पैटर्न, मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग है, और जो आपने स्टार्टिंग में जो पैटर्न दिया है, स्टार्टिंग का आई एन, वो ना गिविंग स्ट्रिंग से मैच कर रहा है, मैच, ठीक है, तो मैच कर रहा है, तो ये ना करता है, ये रिजल्ट में ना हमको ट्रू दे देता है, ट्रू कि हाँ मैच कर रहा है तो ट्रू दे देता है, और मैच नहीं कर रहा है तो फॉल्स वैल्यू दे देता है, फॉल्स। आपको रन करके दिखा रहे थोड़ा सा आपको, स्टार्टिंग एड्रेस का भी बीच के लास्ट के सारे यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट्स विद यहाँ पर क्या लिखा है, हैं ये, स्टार्ट विद, हाँ तो फिर स्टार्ट विद के साथ ही देता है, रिटर्न ट्रू इफ द नेम स्टार्ट विद द स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी।
ब्राउजर क्यों नहीं आ रहा इसमें? थोड़ा सा वेट करना, ठीक है? स्ट्रिंग इसमें ब्राउजर दिख नहीं रहा अभी। अब देखो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है ना आपका स्क्रीन? विजुअल है ना? यस सर। ठीक है, बस को रन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम कोड को मैंने कॉपी किया, ठीक है? इसने दे दिया ट्रू, और एक से ज्यादा लेटर भी ले सकते हैं, जैसे IND ले लिया तो भी दे देगा ये। रन किया ट्रू, ठीक है ट्रू। और मैं कुछ और वैल्यू ले लूं, ठीक है? स्टार्टिंग का नहीं, स्टार्टिंग का मैच नहीं करेगा, कुछ और ले लूं। JEE ले लिया, ठीक है? JEE स्टार्ट में है ही नहीं कहीं, तो ये फॉल्स देगा। फॉल्स दे दिया, ठीक है? यदि स्टार्टिंग के कैरेक्टर ही देते हैं तो ये ट्रू दे देगा, मतलब जो भी पैटर्न मैच कर रहा है, ठीक है? यदि कुछ और कैरेक्टर दे दिया जो स्टार्टिंग के साथ मैच नहीं कर रहा ना, तो फॉल्स दे देता है। क्लियर है ये चीज? देखो IND दिया तो इसने क्या कर दिया, दे दिया ट्रू। और कुछ और वैल्यू दे दे, मान के चलो हम कुछ और दे दें, TT दे दी, कुछ भी दे दी, ठीक है? तो हमको रन किया तो फॉल्स दे देगा। क्लियर है? मतलब ये स्टार्ट के पैटर्न के साथ मैच करता है। हेलो, यस यस सर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। जैसा स्टार्ट था वैसे एंड होगा, ठीक है? एंड विथ, ठीक है? तो एंड विथ क्या करता था, जैसे स्टार्ट स्टार्टिंग के पैटर्न के साथ मैच करता था, ऐसे ही ना एंड ना एंडिंग के पैटर्न के साथ मैच करता है। देखो एंड विथ, और यहाँ पर नाम लिया मैंने ET, ठीक है? ET, तो यहाँ ET लिखा। तो यदि देखो हमारा जो नेमिंग पैटर्न है, और जो हमने एंड के जो लेटर लिए, दो लिए सपोज, यदि देखो इसी के साथ एंड कर रहा है तो हमको ट्रू देगा, अदरवाइज ना फॉल्स देगा। अब मैं इसको भी आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए। देखो मे बी कोडिंग किसी किसी को बोरिंग लग रहा हो, बट क्या है, जब से आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, जब से तब तक आपको ना इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आने वाला। हम इसको ट्रेनिंग करके दिखा दे रहे हैं, एक बार कॉपी पेस्ट कर देगा। इसको ये कंट्रोल V किया मैंने, और लिख दिया था यहाँ पर ET, ये ET लिखा है, ठीक है? तो ये ट्रू, ET आ गया ट्रू, ठीक है? डबल ET भी लिख दूं ना, तब ये दे देगा ट्रू, ठीक है? और कुछ और लिख दिया, बताओ अच्छा क्या लिख दूं एंड में, आप बताओ। जल्दी बताइए। सर EB EB, ठीक है? अच्छा ET सिंगल ET लिखना, सिंगल ET तो लिख चुका मैं, ठीक है? EB अब ये फॉल्स दे देगा, फॉल्स दे देगा। और सिंगल ET लिखूंगा तो ट्रू देता ही है, ये तो बता ही चुका मैं।
ट्रू ईटी क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पर देखो नेक्स्ट आपका है कैरेक्टर कैरेक्टर एट। ठीक है, कैरेक्टर एट आपका करता क्या है? ठीक है, हमको पता करना है कि ठीक है किसी इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, किसी इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर। ठीक है, मतलब ये हमारी इंडेक्सिंग होती है ऐसे जी। ठीक है, एक मिनट, पेन प्रॉब्लम कर रहा है, कैलिब्रेट प्रेज कर। ठीक है, लिख दिया इंदिरा। ठीक है, नेमिंग दे दिया जीरो, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, तो सपोज ऐसा इसमें मैंने पता किया कि भाई कैरेक्टर टू पर कौन सा लेटर है, मतलब ये इंडेक्स टू पर। ठीक है, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं कैरेक्टर एट, कैरेक्टर एट, उसके अंदर हमने लिख दिया टू। तो टू पर अब सपोज ये डी है तो ये हमको डी दे देगा। देखो इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको हमने रन किया तो देखो कैरेक्टर एट टू पर ये देगा डी। देखो मतलब हमको इंडेक्स की वैल्यू पता करनी है, इस इंडेक्स पर कौन सा, तो डी दे दिया। ठीक है, डी। अब आप कोई भी इंडेक्स बता दे, मैं उसके इंडेक्स पर नंबर या नाम, मतलब ये नेम, मतलब वो कैरेक्टर मैं प्रिंट करके आपको यहां दिखा दूंगा। बताओ कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है, इंडेक्स बताइए बताइए। सिक्स। ठीक है, ये मैंने सिक्स किया तो सिक्स पर ना ये हमको दे देगा, देखो ई दे दिया। ठीक है सर, अगर अपन एट नंबर के आउट में करेंगे तो फिर क्या देगा? क्या मतलब आठ नंबर है उसके, अपन जैसे नौ ले लिया तो फिर क्या देगा? देखो हम नौ ले लेंगे तो कुछ एरर दे देगा। देखो देखो एरर दे दी। Yes. ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, क्योंकि जीरो से एट ही है, देखो एरर दे दी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, आपके चार मेथड और बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं फिर क्लास को एंड कर। सर आज ही क्या स्ट्रिंग वाला का? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, फिर आपका इंडेक्स, देखो ये जस्ट इंडेक्स ऑफ जस्ट उसका रिवर्स है। यहां पर हम क्या करते थे, इंडेक्स पता हो टेन वाले में, ठीक है, यहां पर इंडेक्स नंबर पता हो तो उसका कैरेक्टर प्रिंट करते थे, कैरेक्टर प्रिंट करते थे डी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं उसका कैरेक्टर पता हो तो उसकी इंडेक्स प्रिंट करते हैं। ठीक है, इंडेक्स प्रिंट करते हैं, फिर से बता, इंडेक्स प्रिंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो ये जस्ट रिवर्स है, इसमें हम क्या करेंगे इंडेक्स ऑफ। ठीक है, उसमें क्या था, इंडेक्स एट था। ठीक है, एट, इसमें इंडेक्स ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ ए पास करेंगे तो ए की जो भी इंडेक्स है वो हमको रिटर्न करके दे देगा। अब मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। सर फोर आएगा। वेरी गुड,
वीकी, और मैंने इसको रन किया तो रिजल्ट आया 4। किसने बताया, किसने बताया 4 आएगा? सर एंडली। किसने? सर एंडली। नाम नहीं समझ पा रहा थोड़ा सा मैं। सर फातिमा है जिसका सर नेम। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ओके वेरी गुड। ठीक है तो इसका इंडेक्स 4 आएगा। ठीक, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 आया। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ कर्ता क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ कर्ता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस होता है। देखो इंडेक्स ऑफ कर्ता क्या था, देखो इसको मैं बता दूं तो और एक आपको चीज क्लियर हो जाएगी। इंडेक्स ऑफ यदि 2 लेटर है, ठीक है, और बता दे रहा हूं। ठीक है, अब सपोज ये इंडेक्स ऑफ है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ में यदि मैं ई को डाल दूं, ई को, ठीक है, तो यहाँ ई 2 बार आया, ठीक है, ई 2 बार आया, बट ने ये क्या करता है, ई की पहली वाली इंडेक्स देगा, ये वाली पहले वाली ई की इंडेक्स देता है, पहले वाली ई की इंडेक्स देता है, पहले वाली ई की, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, हाँ 6 देगा, वेरी गुड। ठीक है, 6 देता है। अब देखना, अब देखो हम बिल्कुल, हम ये क्या है कि अब बिल्कुल क्या है, मेथड को चेंज कर रहा है इसके नेक्स्ट वाला, देखो दिखा रहा है। ठीक है, अभी लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अभी नहीं दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन, एक मिनट, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ करता क्या है, सपोज 2 लेटर आए हैं, 2 लेटर आए हैं, ठीक है, 2 लेटर आए, फिर से बता दे रहा हूं मैं, 2 लेटर आए हैं तो ये लास्ट वाली की इंडेक्स देगा। अब मैं एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा दे रहा हूं आपको, यहां मैं इंदिरा में आई 2 बार आया, ठीक है, आई, ठीक है, या ए 2 बार आया, ए को करके बता दे, ठीक है, ए 2 बार आया, ए को करके दिखा दे, ठीक है, तो ए 2 बार आया है ना, तो अब देखो पहले पिछले वाले एक ही दी थी, ठीक है, अब देखो अब इस वाले एक ही मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इसमें 2 ए आया मगर ये लास्ट वाले एक इंडेक्स देगा, इसको रन करके दिखा रहा हूँ एक बार। वेरी गुड, कौन बताया, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। कंट्रोल वी आ, ठीक है, इसको रन किया, देखो 13 दे दिया, वेरी गुड, ठीक है, जिसने बताया वेरी गुड, 13 दे दिया। देखो ए तो यहाँ पर भी है मगर ये किसकी देता है, लास्ट इंडेक्स, मतलब जो ए लास्ट में आए ना, सबसे लास्ट में, उसकी देगा। क्लियर है, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्लियर है, इंडेक्स ऑफ ऑलवेज पहले वाले की देता है और लास्ट इंडेक्स ऑफ हमेशा लास्ट वाले की देता है। चीज क्लियर है, आगे बढ़े। हेलो, यस यस, अब 2 फंक्शन और बचे हैं आपके पास, खत्म फिर आपको, ठीक है, 13, ठीक है, तो 13 क्या करता है कि हमारे पास यदि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग पैटर्न मैच करता है, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग पैटर्न मैच करता है। सपोज मैंने क्या दिया यहाँ पर, इंद्रजीत एक नाम स्टोर किया और मैं कोई अनादर स्ट्रिंग मैच करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हमने लगाया नेम डॉट इक्वल्स और जो भी स्ट्रिंग हम मैच करना चाहते हैं, ठीक है, मैच करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यदि ये गिवन स्ट्रिंग इसके साथ मैच करती तो ट्रू दे देगा और मैच नहीं करती तो फॉल्स दे देगा। इसको रन करके दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी ये चीज आपको।
ठीक है, तो मैंने लगाया नेम डॉट, देखो नेम डॉट इक्वल्स और इंद्रजीत को मैच कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैं इसको रन करूंगा ना तो ट्रू दे दिया, रन करूंगा तो ट्रू दे दिया, और यहां कुछ और लिख देता, मान के चलो जीती लिख दिया, ठीक है, तो ना मैच नहीं करेगा, फॉल्स दे दिए, ठीक है, फॉल्स दे दिए, ठीक है। यदि मैचिंग स्ट्रिंग सही है तो ये ट्रू देगा, ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स दे देता है, या जीत भी कर देना बस, या कुछ और भी कर दे तो ये फॉल्स दे देगा। देखो रन कर रहा हूं, फॉल्स, ये चीज क्लियर है। यदि इक्वल्स है तो ठीक है, मैच करता है तो ट्रू दे देता है, अदरवाइज फॉल्स दे देता है, ठीक है। फिर आगे और एक और नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, इक्वल इग्नोर केस। इक्वल इग्नोर केस का मतलब क्या है, ठीक है, तो जो उसके पहले वाला था, ठीक है, पहले वाला था, देखो उसके जो पहले वाला था, तो यदि मैंने यहां पर इंद्रजीत लिखा है और जो स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इंद्रजीत ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ हम स्मॉल ले लें और कुछ कैपिटल ले लें। देखो आपको रंग कैसे दिखा दे रहा है, देखो, ठीक है, ये जो हम कर रहे थे पहले वाला कर रहे थे, ठीक है, इसके पहले वाला इक्वल केस। यदि मान के चलो ऊपर लिखा इंद्रजीत, ठीक है, ऊपर हम कैपिटल में कर दे रहे और नीचे स्मॉल में कर दे रहे, तो गड़बड़ हो जाएगा, देखे ना, कैपिटल इंद्रजीत, ठीक है, और नीचे यदि मैं स्मॉल में कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, कैपिटल, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, फॉल्स दे दिया, मतलब क्या है, यदि ऊपर जो वर्ड हमने कैपिटल में लिखे, मतलब जिस केस में लिखे हैं जो लेटर, वो यहां पर भी उस केस में हो तभी मैच करता है। फिर से बता दे रहा हूं, यदि ऊपर हमने जिस केस में लेटर लिखे, यदि अपर केस में लिखे तो नीचे भी अपर ही केस में लिखना पड़ेगा, तब ट्रू होगा, अदरवाइज ना इक्वल केस ना ये इक्वल वाला मेथड ना फॉल्स देता है, फॉल्स, क्लियर है। और फिर इसके आगे जो हमने नेक्स्ट मेथड बताया, ठीक है, इसके आगे जो बता रहा हूं, ठीक है, ये लास्ट वाला मेथड है अभी, ठीक है, इक्वल इग्नोर केस, तो ये क्या करता है, केस को इग्नोर कर देता है, मतलब ये करता है चाहे ऊपर स्मॉल हो चाहे नीचे कैपिटल हो, इसलिए मैंने ऊपर क्या किया है पूरा, ये देखो कुछ स्मॉल में लिया, यहाँ कुछ कैपिटल में लिया, ठीक है, ये क्या है, ट्रू दे देगा हमको। तो इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपके दोनों के बीच में डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं लगा दे रहा हूँ इग्नोर केस वाला, कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर कुछ इंद्रजीत लिया और ऐसे कुछ यहाँ पर ले लिया आई, और जीत यहाँ कैपिटल ले लिया, जीते, ठीक है, तो ये ट्रू देगा, देखो ट्रू देगा, ट्रू देगा, ये केस को नहीं लेता, मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस नहीं करता, और पहले वाला करता था, क्लियर है ये चीज। यस सर, सबको, यस सर, ठीक है, क्लास को एंड करूंगा अभी। शायरी का प्रोग्राम, हाँ वो बता दूंगा, अभी इस टॉपिक को एंड करूं मैं। यस, हाँ, यस, ओके, ठीक है, अभी स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, स्ट्रिंग मेथड को।